नमस्कार, मैं रितिका। आज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बढ़ती समस्या पर हमसे बात करने के लिए न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट और ताकर हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर भंवर सिंह ताकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत बहुत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू। देखो, तो क्या कारण है कि आजकल लोगों में इसके डिसऑर्डर्स काफी बढ़ रहे हैं? डिसऑर्डर्स का मेन तो लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल है जो कि अपने खान पीन डाइट से जोड़ सकते हैं कि डाइट है, उनका रहने का तरीका है। कुछ मल्टीविटामिन्स हैं वो प्रॉपर डाइट में नहीं मिल पाते। जैसे विटामिन B12 बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे बीट बहुत सारी वाली न्यूरोपैथीज हो जाती हैं कि नर्व की वीकनेस हो जाती है जिसकी वजह से इम्बेलेंस रहता है या स्ट्रेस में रहता है मरीज, जो बॉडी में जॉइंट्स में पेन रहता है। तो ये बहुत कॉमन देखा गया कि B12 की कमी एक मिल जाती है, और स्ट्रेस है, एक्सीडेंट्स है, ये सब रीजन है इनके डिसऑर्डर्स के। बड़ों में तो सर स्ट्रेस का थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन बच्चों में भी इसके तो केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो बच्चों में क्या प्रिकॉशंस रहे? बच्चों पहले से क्या बच्चों प्रिकॉशंस लिया जा सकता है? देखो, प्रिकॉशंस के नाम पे बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में तो ये है कि एक तो आजकल मोबाइल है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे आपको मोबाइल को बहुत क्लोज से देखते हैं बच्चे, तो वो बाकी चीजों से दूर हो जाते हैं। अब ये पाया गया है कि 10 क्वेश्चन का आंसर कर सकता है फिज नॉर्मली, लेकिन मोबाइल का शिकार होने के बाद में वो 10 में से 2-4 के आंसर दे पाता है। तो उसका माइंड कहीं और चलता है और फिजिकली कहीं और प्रेजेंट होता है। तो भी एक मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर से मोबाइल से ज्यादा हो गया। और कुछ बीमारियां हैं बच्चों की जो कि कंजेनाइटल, वो पेट में ही होती है, तो बच्चा बाहर आने के बाद में भी उसको बहुत सफर करना पड़ता है। जैसे नेक होल्डिंग नहीं होती, ड्राउजी सर नहीं ऐसा पड़ता, है, ऐसे बच्चे खूब आते हैं।